हेलो दोस्तों, ऐसी घटना पहली बार हुआ है जब किसी वंदे भारत ट्रेन का पेंटोग्राफ OHE यानी ओवर हेड इक्विपमेंट वायर से फंस गया हो जी हाँ दोस्तों, और इसके चलते घंटों तक वंदे भारत ट्रेन पड़ी रही जी हाँ दोस्तों लगभग, और भीषण गर्मी का समय भी चल रहा दोस्तों, जिसके कारण 2.5 घंटे तक छत्तीसगढ़ के भाटापारा निपनिया के पास खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन जी हाँ दोस्तों। को बता दें, यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और हाईटेक ट्रेन में आई खराबी को समझने में काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी, और काफ़ी प्रयास के बाद तकनीकी खामियों को दूर करने में रेलवे के टेक्निकल टीम को पसीना आ गया दोस्तों। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल मुख्यालय बिलासपुर से नागपुर और नागपुर से बिलासपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में पहली बार तकनीकी खराबी आई है और ट्रेन के पहिए थम गए हैं। दरअसल नागपुर से रवाना होने वाली यह ट्रेन रोज की तरह इस बार बिलासपुर पहुंचने का समय 7:30 बजे है और ट्रेन अपनी गति से रायपुर से बिलासपुर की ओर बढ़ रही थी, मिडिल लाइन से गुजर रही थी। गाड़ी भाटापारा निपनिया के पास जैसे ही पहुंचती है अचानक ट्रेन रुक गई। पहले यात्रियों को लगा कि सिग्नल की वजह से ट्रेन रुकी होगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन की लाइट बंद हुई कोच में अंधेरा छा गया और सभी कोच में AC बंद हो गए जी हाँ दोस्तों। तब यात्री परेशान हो गए और इस दौरान ट्रेन में जो मौजूद क्रू है यानी जो लोको पायलट है और अन स्टाफ को भी माजरा समझ में नहीं आया। हालांकि अपने लेवल पर वो खामियों को ढूंढते रहे। जब उन्हें पता चला कि ट्रेन के पेंटो OHE तार से फंस गया है जिसके कारण से बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, तब उन्होंने कंट्रोल रूम की यह घटना की जानकारी दी, जिसके बाद भाटापारा से टेक्निकल टीम मौके पर पहुंचती है और फिर हाईटेक ट्रेन के परिचालन में आई तकनीकी दिक्कतों को उसे समझने में ही घंटों लग गया। और इस दौरान काफ़ी दिक्कतों का मशक्क़त के बाद रेलवे टीम ने इस तकनीकी को दूर किया और इसके बाद वंदे भारत फिर ट्रेन वहाँ से चली। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन में बिजली सप्लाई बंद होने के कारण लाइट गुल हो गई, सभी कोच में AC भी बंद हो गए और भीषण गर्मी से यात्री काफ़ी परेशान दिखे, लिहाजा नाराज यात्रियों ने जमकर बवाल काटा दोस्तों। और हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली इस ट्रेन की तकनीकी दिक्कतों के समझने में रेलवे के टेक्निकल टीम को काफ़ी प्रयास करना पड़ा, जिसके चलते 2.5 घंटे तक एक्सप्रेस निपनिया के पास खड़ी रही। और जब ट्रेन में बिजली सप्लाई शुरू हुई, लाइट के साथ AC चालू हुआ, तब यात्रियों की राहत ने सांस ली दोस्तों, और इसके बाद ट्रेन फिर सुचारू रूप से आगे बढ़ा दोस्तों। इस तरह से अभी गर्मी का सीजन भी चल रहा है, अचानक इस तरह से पेंटोग्राफ OHE वायर में फंस गया था जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और द रेल फैक्ट्स के माध्यम से आपको वंदे भारत से रिलेटेड या रेल से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपके पास पहुँचाते रहेंगे। जय जय भारत, जय जय रेलवे।